हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और इस सीरीज में हम लोग ये चीज कवर करने वाले हैं। आपने देखा होगा, आपने सब कुछ कर लिया अच्छे से, लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस में हम अगर सही स्टेप ना लें तो हमारा लेंदी हो जाता है, उस वजह से हमारा टाइम ज्यादा कंज्यूम हो जाता है, उसकी वजह से हमारा पेपर छूट जाता है। तो ये सब्जेक्टिव पेपर में ना हो, इसलिए मैं एक सीरीज शुरू कर रहा हूँ। आप लोग बताना मुझे फीडबैक जब ये वीडियो कंप्लीट देख लो आप, कि आपको इससे बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, अगर बेनिफिट होगा और आप लोग कहोगे सर इस कंटिन्यू करें उस सीरीज को, तो मैं हर चौथे या पांचवें दिन में इस तरीके के वीडियो लेके आऊंगा, जिसमें आपको बताऊंगा कि किस क्वेश्चन में क्या स्टेप लेना है। इससे दो फायदे होंगे, एक तो आपको स्टेप पता लग जाएगा, दूसरा आपका रिवीजन भी हो जाएगा, क्योंकि आपको हर चीज का रिवीजन भी तो करना होता है। तो आप लोग बताना ये चीज आपकी कितनी बेनिफिशियल है, कि आपके फीडबैक से ही सारी चीज डिपेंड करती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और वैसे मैंने टॉप टॉप क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए। चलिए अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जिनमें बोला जाता है कि ट्रेन की स्पीड जो है वो ज्यादा कर दी या कम कर दी, टाइम कम या ज्यादा लगता रहता है। तो इस टाइप की हमारी इक्वेशन बनती है। इस वीडियो का पर्पज किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करना नहीं है। इस वीडियो का मकसद ये है कि पर्टिकुलर कोई इक्वेशन बनती है या कुछ होता है तो हम क्या करें, स्टेप मतलब आपको स्टेप इजी करने का प्रोसेस बताया जा रहा है। समझ में आया? तो यहाँ पे पूरा ये नहीं कि मैं एक्स क्यू निकाल रहा हूँ सॉल्व कर रहा हूँ, फिर तो वो क्वेश्चन बन जाएगा, फिर तो वो काफी टाइम टेकिंग हो जाएगा, वो फिर एक लेक्चर बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग प्रोसेस देखेंगे इजी कैसे करना है। अब जैसे देखो इस वाले क्वेश्चन की बात है, कोई बच्चा यहाँ पे हो सकता है एलसीएम ले ले डायरेक्ट, ठीक है, उससे भी इजी क्या पड़ेगा, आप इस टर्म को यहाँ ले जाओ। तो 480 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस का 480 अपॉन एक्स इक्वल टू 3। अब हो सकता है कोई बच्चा यहाँ पे एलसीएम ले ले, ठीक है, मैं स्टेप इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ बच्चे क्या क्या करते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। तो यहाँ पे जो हमारा पर्पज इस वीडियो का वो ये है कि आपको ये बताना कि यहाँ पे आप एलसीएम ही लोगे, यहाँ पे 480 कॉमन लोगे, तो इससे आएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस का 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 3। तो अगर हम इन दोनों में एलसीएम ले लें तो यहाँ पे अगर हमारा 480 तो बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स माइनस 8 इंटू एक्स, तो ये एक्स यहाँ पहुंच जाएगा माइनस का एक्स माइनस 8 इक्वल टू 3। तो 480 ब्रैकेट एक्स माइनस एक्स प्लस 8 अपॉन एक्स माइनस 8 इंटू एक्स इक्वल टू 3। तो देखो इससे फायदा ये हुआ, एक्स एक्स कट गया, अब 4 इंटू 8 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 8x इक्वल टू 3। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना क्रॉस मल्टीप्लाई करके, वो तो सॉल्व हो जाएगा। तो मेन मकसद यहाँ पे क्या हुआ कि इस स्टेप के बाद आपको 480 कॉमन लेना है, जिससे आपकी कैलकुलेशन थोड़ी आसान रहे। चलिए सेकेंड क्वेश्चन पे बात करें, उसमें आपको क्या दे रखा है, उसमें दे रखा है एक्स प्लस 1 नीचे है और ऊपर एक्स है, इसमें इसका जस्ट उल्टा दे रखा है। अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि एक नंबर दे रखा है और इसका रेसिप्रोकल दे रखा है, तो कुछ बच्चे हो सकता है डायरेक्ट एलसीएम ले लें एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई एक्स, ऐसा नहीं करना, इससे लेंदी हो जाएगा। आसान तब पड़ेगा जब आप क्या करोगे एक्स अपॉन एक्स प्लस 1, यानी इसको कुछ लेट कर लोगे वाई के बराबर। इसको हमने लेट कर लिया, लेट कर लिया क्या, एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 किसके बराबर है, एक वाई के बराबर है। अब इसको वाई पुट कर देंगे, ये वाई बन जाएगा, ये आपका क्या है रेसिप्रोकल है, यानी कि 1 अपॉन वाई हो जाएगा इक्वल टू 34 अपॉन 15। अब यहाँ पे एलसीएम लेके वाई फाइंड आउट कर लेना, दो वैल्यू आएंगी केस 1 और केस 2। अब यहाँ पे वाई पुट कर दोगे तो आपका क्या हो रहा है, इस सीरीज से क्या हो रहा है रिवीजन भी हो रहा है। कैसा लग रहा है आप जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। साथ के साथ क्वाड इक्वेशन, यानी जो बच्चे नए हैं इस चैनल पे, बता दूं मैंने टर्म 2 के 7 के 7 चैप्टर्स वन शॉट में कंप्लीट कर दिए, और आप वीडियोस की व्यूज से देख सकते हो कि बच्चों ने कितना पसंद किया, 2.5 लाख से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं क्वाड्रेटिक में, एपी में भी 1 लाख क्रॉस कर चुका है, हर वीडियो में 1 लाख के आसपास या तो क्रॉस हो गया। तो आप सोच सकते हो कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। आप लोग भी अच्छे से स्टडी मटेरियल का यूज करें, फ्री ऑफ कॉस्ट है। कैसे करना है एक्सेस, ये टर्म 2 का ट्रैकर है पूरा, ट्रैकर पे जाना, क्लिक करना लाइन से, आपको सिस्टमेटिक वे में, आप जब कोचिंग ज्वाइन करते हो क्या होता है सिस्टम से सारी चीज चाहिए ना, तो सिस्टम से ही है सब कुछ, सिस्टम से सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ट्रैकर पे जाना, सब कुछ सिस्टम से मिल गया। असाइनमेंट चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क्स बूस्टर है, ठीक है, फॉर्मूला बुकलेट आने वाली है आपके लिए बहुत ही बेहतरीन, ठीक है, सैंपल पेपर सीबीएसई का सब कुछ तो है यार, टेस्ट सीरीज भी एक पेपर डला हुआ है, बाकी और अपलोड हो रहे हैं वो भी चैप्टर वाइज, तो सब कुछ है। ये कैसे मिलेगा, ये क्लास 10 का सीक्रेट फोल्डर में आपको क्या करना है, व्हाट्सएप का नंबर है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में, आप लिख देना व्हाट्सएप नंबर पे, आई वॉन्ट सीक्रेट फोल्डर, बस वेट रख करना थोड़ा सा, कभी कभी डिले हो जाता है रिप्लाई करने में, लेकिन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो बस ये चीजें हैं। चलो नेक्स्ट थर्ड देखते हैं, अगर ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आ जाए तो आपको इस वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट एलसीएम नहीं लेना है, यानी ए बी एक्स का एलसीएम नहीं लेना है। आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्या करना है, ए बी एक्स का एलसीएम ना लेके आपको इस एक नंबर को यहाँ ले जाना है, तो 1 अपॉन ए प्लस बी प्लस एक्स
माइनस का 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस का 1 अपॉन बी। ये स्टेप इस क्वेश्चन का ध्यान रखें। अब आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आपको आसानी रहेगी। आप देखोगे बहुत से टर्म कैंसिल ही हो जाते हैं जब आप इसको इधर ले जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो, अगर हम बात करें यहाँ पे, ये नेक्स्ट जो है वो सरफेस एरिया का क्वेश्चन है, तो जरा इसको पढ़ लीजिए क्या लिखा है। अब मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2, एक स्फीयर जिसकी रेडियस 4.2 है, इसको मेल्ट करके एक सिलेंडर बनाया गया। सिलेंडर की जो रेडियस है वो 6 है और हाइट फाइंड आउट करनी है। तो बच्चे गलती एक पहली ही करते हैं कि स्फीयर का वॉल्यूम निकालने बैठ जाते हैं, सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने बैठ जाते हैं, फिर सॉल्व करते हैं, इक्वल कर देते हैं मतलब। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा दोनों कैलकुलेशन एक साथ करिए, बहुत कुछ कट जाता है। जैसे मैं लिखूंगा क्या, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। सिलेंडर का होता है कितना, पाई आर स्क्वायर एच, मैंने यहाँ पे कैपिटल आर ले लिया डी, ठीक है। तो पाई से पाई कट गया 4/3 आर का क्यूब। आर का क्यूब मतलब 4.2 तीन बार लिखना है, 4.2 तीन बार लिख दिया, इक्वल टू आर स्क्वायर। आर कितना है, 6 है, तो 6 इंटू 6 दो बार लिखना है, इंटू एच, एच निकालना है। अगर मैं ये पॉइंट हटा दूं तीनों के तो नीचे क्या 10-10 आ जाएगा, ठीक है। अब जो कटेगा, और आपको ऐसे ही करना है, 6 7 जा 42, 6 7 जा 42, 3 से ये 14, तो क्या आया 4 × 7 × 7 × 14 अपॉन ये आ गया 1000 इक्वल टू एच। अब यहाँ पे भी एक चीज समझने वाली है, कुछ बच्चे हो सकता है 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा 250 आ जाएगा, फिर इसको भी कैंसिल करेंगे 125 आ जाएगा। लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि यार अगर नीचे 0 है ना, या 100 है, 1000 है, तो आप उसको कैंसिल मत करो। क्यों, आप बताओ, अगर मान लो आपका ऊपर वाला सॉल्व हो गया 125 आया या 117 आया और नीचे अगर 25 हुआ, तो आपको डिवाइड करने की एक प्रॉब्लम आ जाएगी। और अगर मैं आपसे कहूँ नीचे अगर 1000 है तो आप इजीली डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि 0 अगर 3 है तो 1, 2, 3 तो 0.117 आंसर हो जाएगा। तो 0 जितना नीचे उतनी अच्छा है, अगर कोई दूसरा नंबर आएगा उतनी मुश्किल है, क्योंकि फिर आपको डिवाइड करने की प्रॉब्लम। इससे अच्छा है न्यूमरेटर के जितने भी नंबर्स है ना मल्टीप्लाई कर लो, कितना टाइम लगेगा, एक मिनट, उसका डिवाइड करना तो हमारा आसान रहेगा। तो पॉइंट की टेंशन तो नहीं रहेगी कम से कम, क्योंकि बच्चे डिवाइड करने में पॉइंट में गड़बड़ी करते हैं। यस और नो, आप मानते हो कि नहीं, जब हम डिवाइड करते हैं कई बार हमारा आंसर गड़बड़ हो जाता है। 1 पॉइंट मान लो आपका आंसर आ रहा है 25.17, पीछे दे रखा 25.13, तो वो अगर एरर से बचना है तो 0 अगर नीचे तो बनी रहने दो, ऊपर वालों को सॉल्व करो। अगर आपको कुछ भी अभी तक में कितने क्वेश्चंस, अगर आपको कुछ भी बेनिफिट्स हो रहा है तो कमेंट सेशन में लिखना कि दीज सेशन आर वेरी यूजफुल, प्लीज कंटिन्यू दिस सीरीज। तो डेफिनेटली मैं सीरीज को कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन मैंने लिया है क्वाड्रेटिक का, ये बड़ा परेशान करता है। इसको कुछ लोग बोलते हैं कि ऑब्जर्वेशन से कर लो, कि भाई के स्क्वायर ग्रेटर देन 4 है ना, तो सोच लो कि के की वैल्यू हम क्या क्या रख सकते हैं। लेकिन यार ऑब्जर्वेशन कई बार काम नहीं आती है, टाइम इतना होता नहीं पेपर में, तो आपको सेट पैटर्न पता होना चाहिए। सेट पैटर्न क्या होता है, इस 4 को इधर लाओ तो ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन 0, 4 को 2 का स्क्वायर लिख लो, यहाँ पे फैक्टर आ जाएंगे के प्लस 2 के माइनस 2, ऐसे आप फैक्टर बना लो पहले, ठीक है। फिर एक नंबर लाइन लो, इस वाले के प्लस 2 को अगर मैं माइनस में 0 करूं तो के की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 2, तो माइनस 2 लिख लो। इसको 0 करेंगे तो के की वैल्यू 2 आएगी। ये नंबर लाइन टोटल 3 पार्ट में डिवाइड हो गई, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक है, मतलब एक पार्ट आपका ये है यहां से यहां तक, एक है आपका ये और एक है आपका ये। यहां से यहां तक का मतलब है माइनस इनफाइनाइट से माइनस 2, यहां से मतलब 2 से इनफाइनाइट, ठीक है। अब एक चीज आप रूल याद रखना, जब ये नंबर लाइन बना लो ना, तो ये 3 पार्ट में जो डिवाइड है, तो जो पहला वाला पार्ट होता है वो पॉजिटिव, फिर दूसरा वाला नेगेटिव, अल्टरनेट चलता है, फिर पॉजिटिव, ठीक है। आपको बताना है इसका आंसर ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव वाला आंसर। तो पॉजिटिव हमारा यहाँ पे है, यानी के की वैल्यू 2 से बड़ी है, तो एक आंसर ये हो गया। और कौन सा आंसर होगा, माइनस 2 से छोटी है, यानी के की वैल्यू माइनस 2 से छोटी है, तो ये हमारे आंसर हो गए। आए समझ में, अगर मान लो पेपर में यहाँ पे आ जाए के स्क्वायर लेस देन 4, मतलब ग्रेटर देन के लेस देन आ जाए, सेम क्वेश्चन हो, तो आपको पता है फैक्टर करोगे के स्क्वायर माइनस 4 लेस देन 0, ये आएगा के प्लस 2 के माइनस 2 लेस देन 0। अगेन नंबर लाइन बनाना है, तो नंबर लाइन चाहे ग्रेटर देन हो चाहे लेस देन हो, नंबर लाइन सेम तरीके से बनाना है, यानी माइनस 2 प्लस 2, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव,
और ये पॉजिटिव, ठीक है। अब यहाँ पे अगर लेस देन है तो लेस देन का था नेगेटिव वाला आंसर, तो आंसर आएगा माइनस टू से टू, काम खत्म, क्योंकि इस वाले पोर्शन में क्या है नेगेटिव वैल्यू। तो आई होप सारे क्वेश्चन समझ में आए हो, आपको एक अप्रोच पता लगी हो कैलकुलेशन कैसे इजी करना है, ठीक है। ये सेशन अच्छा लगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहे। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो, धन्यवाद।